दोस्तों, अगर आप सेल में बाई करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में काफ़ी बड़ा सेल लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टॉक आपको 40 से 50% डाउन पे मिल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा खासा मौका है इन शेयर्स को बाई करने का, क्योंकि अभी करेंट प्राइस पे अगर आप बाई करते हैं या फिर और गिरने के बाद नीचे प्राइस पे बाई करते हैं तो यह कंपनियाँ आपको काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। आप देखेंगे यह कंपनी जो कि रिट्रेस कर रहा था, लेकिन आज से इस कंपनी में काफ़ी बड़ा ब्रेकडाउन आपको देखने को मिला है। तो ऐसे में जो लोग भी इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें अपनी होल्डिंग सेल करके निकल जाना चाहिए या फिर इस कंपनी में बने रहना चाहिए? जो लोग फ्रेश एंट्री करने की सोच रहे थे उन्हें किस प्राइस पे इस कंपनी को बाई करना चाहिए? सब कुछ एनालाइज करके हम आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। जिन लोगों ने इस कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर रखा है वो अपना स्टॉप लॉस इस प्राइस के पास में यानी 9 रुपये के पास में लगाकर चल सकते हैं। कंपनी जैसे 9 रुपये का लेवल ब्रेक करके उसके नीचे जाता है तुरंत एग्जिट करने की प्लानिंग कर लें। जिन लोगों ने इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रखा है क्या उन्हें होल्ड करना चाहिए? दोस्तों, होल्ड कर सकते हैं, लेकिन साथ के साथ अपना स्टॉप लॉस न भूलें। 7 रुपये के पास में स्टॉप लॉस लगाएं, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करें। और इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कंटिन्यू करें, लेकिन उससे पहले अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सीफाई कर लें, अपने रिस्क को एनालाइज कर लें, उसके बाद ही किसी पैनी शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सोचें, क्योंकि पैनी शेयर लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी बुरा रिटर्न आपको दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी अगर पैनी शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हैं या फिर होल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सीफाई करके रखना है, आपको अपने रिस्क को एनालाइज करके रखना है, उसके बाद ही ये डिसाइड करना है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। क्या इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है? तो मेरे ख्याल से होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर पोर्टफोलियो डाइवर्सीफाई है उसके बाद ही। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Thank you for watching this video.